मैम नेक्स्ट लेक्चर आप यूनिवर्सिटी में लेंगे हमारा या ऑनलाइन होगा? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, आ रही है। मैम आपसे पूछना था कि नेक्स्ट क्लास आप यूनिवर्सिटी में रहेंगी या ऑनलाइन ही होगी? बच्चे मैं तो यूनिवर्सिटी में होंगी, आप लोग कहाँ होंगे ये इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने फाइनली डिसाइड नहीं हुआ कि आप लोग SHS के स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक दफा ये कंफर्म हो जाए उसके बाद देखेंगे कि क्लास ऑनलाइन होगी, हाइब्रिड होगी या ऑन कैंपस होगी। लेकिन फिर भी ये मैं आप सब लोगों से कहूंगी कि वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज एटलीस्ट आप लोग जरूर लगवा लें, ताकि अगर फॉरेन से यूनिवर्सिटी आप लोगों को बुलवाया जाता है तो एटलीस्ट आप लोगों की फर्स्ट डोज लगी भी हो और 1 month का टाइम आप लोगों के पास हो सेकंड डोज के लिए, ताकि जून जुलाई के फर्स्ट वीक में ही सबकी जो है वैक्सीनेशन कम्प्लीट हो जाए। इसलिए जरूर अपनी वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज करवा लें आप लोग। तो मैम ये जो नोटिफिकेशन हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है तो उसमें SHS के बच्चे इंक्लूडेड क्यों नहीं होते हमेशा? बेटा इस वजह से क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है SHS के स्टूडेंट्स की। लेकिन मैम हमारा डिपार्टमेंट सबसे पहले वैक्सीनेटेड हुआ था, 19 ईयर ओल्ड से पहले की जो नोटिफिकेशन हेल्थ केयर वर्कर्स की आई थी, तो हमारे डिपार्टमेंट ने I think 80% डिपार्टमेंट वैक्सीनेटेड है इस टाइम, तो उनको सबसे ज्यादा सेफ बुलाना ही SHS डिपार्टमेंट को चाहिए, और बाकियों का तो खैर उनका नहीं पता कि वो वैक्सीनेटेड हैं भी कि नहीं। तो मैम लास्ट दफा जब वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल थी और फिर भी हाइब्रिड मोड ऑन था, तब भी SHS के डिपार्टमेंट ने बच्चों को नहीं बुलाया था। बेटे उसकी रीजन ये थी कि बहुत से फैकल्टी मेंबर्स अफेक्टेड हुए हुए थे, ठीक है, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो SHS की फैकल्टी भी नहीं आ रही थी। उसकी रीजन यही थी कि बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स अफेक्टेड थे और हमने ऑफिस जो है वो बंद किया हुआ था और हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ठीक है। दूसरी बात ये कि सारे स्टूडेंट्स SHS के भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। यस मैम, ठीक है, तो अभी हम इसको भी कंफर्म नहीं कर सकते कि सब लोग हैं या नहीं हैं। आप लोगों में से आई डोंट नो कि सबने करवा ली होगी, अगर आप लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स वाली रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उसमें करवा चुके हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करवाई भी तो अब 19 ईयर्स अबव से हो रही है तो अब आप लोग जरूर करवा लें। दूसरी बात ये कि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर बुलाया जाता है तो फिर उसको बहुत ज्यादा डिवाइडेड करना पड़ेगा, एज इवन और ऑड में भी अगर किया जाए तो भी मोर देन 50 स्टूडेंट्स बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और वो फिर अगेन जो है वो डेंजरस है। मैम इसलिए अभी मतलब यही है कि हम लोग ये सारा सेमेस्टर ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। अच्छा मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ये जो भी हायर अथॉरिटीज डिसीजन लेंगी उस पर ही डिपेंड करता है। आई विश आप लोग ऑन कैंपस आए, सब कुछ नॉर्मल रूटीन में वापस आए और फिर उसी तरीके से पढ़ाई हो। मुझे तो खुद ना बिल्कुल इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ाने में मजा आता है, तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता तो क्या फायदा है। मैम ये हमें SHS वाले कब नोटिफाई करेंगे? फिर मंडे तक की बाकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है तो आज फ्राइडे हो गया, लाइक उन लोगों को हमें लास्ट मोमेंट ही उन्होंने नोटिफाई करना होता है हमेशा, क्योंकि बच्चे आउट ऑफ सिटीज भी हैं, उन्होंने हॉस्टलाइज्ड भी हैं, उन्होंने भी आना होता है, तो कुछ भी टाइमली नहीं होता है जैसे डिपार्टमेंट का। बेटा बात यह है कि रिलैक्सेशन आपको फिलहाल इस वजह से इसीलिए है कि अभी जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं हुआ, अभी हायर अथॉरिटीज से बात चल रही है कि किस तरीके से करना है। वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ईमेल आ गई, ठीक है। अभी बाकी यूनिवर्सिटी ने भी नहीं डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स इवन और ऑड में आएंगे या किस तरीके से हाइब्रिड होगा या क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, रिलैक्सेशन है, आप लोगों की कोई एब्सेंट नहीं मार्क हो जाएंगे अगर आप लोग नहीं आएंगे या इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीक तो आप लोग ऑनलाइन ही कंसिडर करें ना अपना भी। हाँ जी आगे चलते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स स्टार्ट करते हैं हम। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका उसी तरीके से है, सिर्फ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में डिफरेंस आ जाता है और जो इसकी टाइप्स हैं उसके फिर आगे से डिटेल्स में कि वो किस तरीके से हैं।
नेचुरल भी हैं, सेमी सिंथेटिक भी हैं एंटीबायोटिक्स. इसमें क्या है कि पॉलीबेसिक अमाइनो ग्रुप्स हैं जो कि ग्लाइकोसिडिकली लिंक हुए हुए हैं, जिसे इसका नाम बनता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स. ठीक है, अमाइनो शुगर के अमाइनो ग्रुप्स हैं जो कि अमाइनो शुगर्स के साथ अटैच हुए हैं विद ग्लाइकोसिडिकली. क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टेमिक है और टॉपिकल है. ये सिस्टमेटिक नहीं होता, बहुत से बच्चों ने सिस्टमेटिक इसको लिखा हुआ होता है. सिस्टेमिक का मतलब होता है सिस्टेमिक का मतलब होता है जो हम IM या IV देते हैं. ठीक है, जबकि जो टॉपिकल एप्लीकेशन होती है वो बाहर की तरफ, यानी कि अप्लाई जैसे क्रीम्स लोशंस वगैरह को किया जाता है उस तरीके से. सिस्टेमिक में जो आती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, कैनामाइसिन, एमिकासिन, साइसोमाइसिन, टोब्रामाइसिन और नेटिलीमाइसिन है, जबकि टॉपिकल में नियोमाइसिन और फ्रेमिसिटिन है. क्या डिफरेंस है इनमें, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस से डिराइव की गई हैं उनमें माइसिन सफिक्स यूज किया गया, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जबकि जो माइक्रोमोनोस्पोरा से की गई है डिराइव उनमें जेंटामाइसिन, अमीकासिन, नेटिलीमाइसिन, इस तरीके से उनके नाम है. ठीक है, कहाँ से डिवेलप हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो सबसे पहले डिराइव की गई थी टीबी के अगेंस्ट, नियोमाइसिन उसके बाद की 1949 में, लेकिन इसको सिस्टेमिकली यूज नहीं किया जा सकता था, सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन थी इसकी. बाकी सारी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बाद में डिस्कवर हुई हैं और वो सॉइल एक्टिनोमिसाइड्स जो हैं उनमें से डिराइव की गई हैं. अच्छा, इसमें एक चीज ये देख लें कि ये बहुत ही न्यूअर क्लास है ड्रग्स की, 1944 एंड 1949, ये अभी अभी वाला एरा है, समझ लें हम ये हमारे जो जब पाकिस्तान बनने के दिनों वाला. ठीक है, अच्छा उससे मुझे याद है कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ही कायदे आजम को भी दी गई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, क्योंकि तब और कोई डेवलप ही नहीं हुई भी थी. 1944 में ये आई थी, 1949 में नेक्स्ट ड्रग आई है और उनको 1948 के अराउंड दी गई थी, तो सिर्फ तब अमाइनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन ही अवेलेबल थी. कहाँ से डेवलप कर रहे हैं इनको, स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रमेंट करके कर रहे हैं. जेंटामाइसिन की एक्सेप्शन है जिसे हमने माइक्रोमोनोस्पोरा से किया है, और वो जो हमने माइक्रोमोनोस्पोरा की बाकी क्लास पढ़ी थी जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये वहां से डेवलप होती हैं. क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी सल्फेट सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हाईली हैं, और इसके अलावा ये कि स्टेबल होते हैं सॉल्यूशंस की फॉर्म में. सॉल्यूशन की फॉर्म में आयोनाइज होंगे, ओरली एब्जॉर्प्शन इनकी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली ही, सेल्स को पेनिट्रेट नहीं कर रहे अनलेस हम इनके साथ कोई बीटा लैक्टम ऐड कर दें. ना CSF को क्रॉस करते हैं, ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं. यूरिन में अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाते हैं, और इन सब की प्रॉपर्टी ये है कि ये बैक्टीरियसिडल है और अल्कलाइन pH पे ज्यादा प्रॉपरली वर्क करते हैं, ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, इनका जो इनकी एफिकेसी जो है वो एरोबिक ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा है, जबकि एनारोब्स के अगेंस्ट बहुत कम है. एरोबिक ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट बहुत कम है, क्रॉस रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है, इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत थोड़ा है. और इनका सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है. ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि हेयरिंग डिफरेंसेस आते हैं, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि किडनी में चेंजेस आते हैं. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या चीज है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब है कि एंटीबायोटिक लेने के बाद क्या असरात आते हैं. पहली चीज तो ये है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एक इफेक्ट ये है कि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करता है. कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा अमाउंट देंगे उतने ज्यादा बैक्टीरियसिडल एक्शन हमें अचीव हो जाएगा. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट में ये होता है कि हमने एंटीबायोटिक ली और स्टॉप कर दी, एंड नाउ अब क्या होगा कि उसके बाद भी एक लेवल अचीव रहता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करके रखता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. यानी कि एंटीबायोटिक स्टॉप करने के बाद भी हमें उसका इफेक्ट अचीव हो रहा है, उसे हमने कह दिया पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. सिंगल डेली डोजिंग इसके लिए इफेक्टिव रहती है, और रीनल कॉर्टिकल अपटेक जो है वो कैपेसिटी डिपेंडेंट होता है, किडनी में उतनी ही जाएगी जितनी अमाउंट ली जाएगी, और बैक्टीरियल एक्टिविटी भी जितनी अमाउंट ली जाएगी उतनी ज्यादा एनहांस होती जाएगी. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका हमने पढ़ा, एरोबिक ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होता है. स्ट्रेप्टोमाइसिन और कैनामाइसिन जो है वो माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट भी, माइकोबैक्टीरियम टीबी के अगेंस्ट, जबकि अमीकासिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन जो है वेस्ट कैलिस एंड पी ओरिजिनोजा के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है.
ग्राम पॉजिटिव बैसिल आए, ग्राम नेगेटिव कुक आए और एंडोरॉब्स के अगेंस्ट इनकी कोई एफिकेसी नहीं है। इसके अलावा ये कि क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़े थे कि ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें पोरिन चैनल्स होते हैं, जो एनरॉब्स होते हैं उनमें पोरिन चैनल्स हैं जिनके जो वाटर फिल्ड चैनल्स हैं जिनमें से ये क्रॉस करके जा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से जो है वो अपना एक्शन शो ही नहीं कर सकते। एनरॉब्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और वहां पर ये इनफेक्टिव हो जाते हैं। समटाइम्स फैकल्टेटिव एनरोब्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन सप्लाई अगर डेफिशिएंट हो तो वो भी इस केस में रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्रॉस करेंगे और वहां पे साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में जाके उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, वहां पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस शो करते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि राइबोसोम के 30S यूनिट पे जाके ये अटैच हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि वो 50S सब यूनिट पे अटैच होते हैं, ये 30S सब यूनिट पे अटैच होते हैं और डिस्टॉर्ट कर देते हैं मैसेंजर आरएनए को, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो जाती है और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में वहीं पे हिंडर हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। डिफरेंट अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट उनकी मिसरीडिंग होती है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को वो डिफरेंट तरीके से इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा ये कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर देती हैं और एनर्जी ब्लॉक कर देती हैं, यानी कि क्रेब्स साइकिल को भी स्टॉप कर देती हैं। रेजिस्टेंस कैसे डिवेलप होगी इनकी, माइक्रोबियल एंजाइम से इनएक्टिवेशन हो जाएगी या फिर फेलियर हो जाएगी ड्रग की पेनिट्रेशन की, जैसे म्यूटेशन आ जाती है पोरिन चैनल की कि वो अंदर ही नहीं जा सका, परमेबिलिटी ही लॉस हो गई, या फिर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं, एसिटाइल ट्रांसफिरेज है जो कि इसकी एसिटाइलेशन कर देगा, फॉस्फो ट्रांसफिरेज है जो कि फॉस्फोरिलेशन कर देगा, एडिनाइल ट्रांसफिरेज है जो कि इसकी एडिनाइलेशन कर देगा। उसके अलावा जो सब यूनिट था राइबोसोमल सब यूनिट 30S जहां पे जाके उसने अटैच होना है अमाइनोग्लाइकोसाइड ने, उसमें चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वहां पे म्यूटेशन हो जाती है और वो जाके प्रॉपरली अटैच ही नहीं होता। और एक अमाइनोग्लाइकोसाइड से रेजिस्टेंस है तो दूसरी से भी डिवेलप हो जाती है, क्रॉस रेजिस्टेंस भी है। एब्जॉर्प्शन हमने इसकी पढ़ी के क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में अगर देंगे तो हाईली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और ये जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होते, ना डिस्ट्रॉय होते हैं ना एब्जॉर्ब होते हैं। आईएम इंजेक्शन देंगे तो उसका रैपिड एक्शन आता है और उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो 30-60 मिनट्स में हमें पीक में अचीव हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, एंडोलिम्फ में और रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे, प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, सीरस फ्लूइड्स में लाइक साइनोवियल प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज में ये प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन इनकी यूरिन में अनचेंज होती है, मेन जो एक्सक्रीटरी चैनल इनका वो जी ग्रोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही है और प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी 2-4 आवर्स है। और अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक यूज होता रहा है, काफी दिन से अमाइनोग्लाइकोसाइड को ली जा रही है ड्रग, तो इसका हमें ये कि मेडिसिन स्टॉप करने के भी 2-3 हफ्तों तक इसका जो है रेमिनेंट्स वो यूरिन में मिलते रहते हैं। क्योंकि जीएफआर डिपेंडेंट है, किडनी ने करना है, तो जिनमें रीनल इंसफिशिएंसी होगी या एल्डरली पेशेंट्स होंगे या न्यूनेट्स होंगे उनमें हम ड्रग की डोज को कम कर देंगे। जो रीनल क्लियरेंस है अमाइनोग्लाइकोसाइड की वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पैरेलल ही है जो कि हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस आप लोगों ने फिजियो में पढ़ी होगी कि हमने इसको पढ़ा था कि हम उसको एक मार्जिन बना के देखते हैं कि बाकी चीजों की क्लियरेंस क्रिएटिनिन क्लियरेंस के हिसाब से देखते हैं। तो अगर एक पेशेंट है जिसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस 70 ml/min है जो कि नॉर्मल है, तो फिर हम उसमें कोई भी रिडक्शन डोज की या कमी पेशी करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसका जीएफआर नॉर्मल होगा। टॉक्सिसिटीज, शेयर टॉक्सिसिटीज यानी सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की कंबाइन, उसमें क्या आ जाती है ऑटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर पार्ट्स जो हैं वो दोनों इफेक्ट होते हैं क्योंकि लेब्रिंथाइन फ्लूइड में कंसंट्रेट हो जाती है और वेस्टिबुलर कॉक्लियर सेंसरी सेल्स जो हैं उसमें भी डिस्ट्रक्टिव चेंजेस ये ला सकती है। लेकिन उसमें फिर ईयर ड्रॉप्स वगैरह जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं करने चाहिए। कॉक्लियर डैमेज कॉज करती है जिसमें हेयरिंग डिफेक्ट आ जाएगा, डेफनेस आ सकती है, टिनाइटस, ड्रग को छोड़ेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। वेस्टिबुलर डैमेज में क्या होगा, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, नस्टेगमस, एटैक्सिया एंड वर्टिगो। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी में ये होगा कि ट्यूबुलर डैमेज कर देंगे जिसकी वजह से यूरिनरी कंसंट्रेशन जो पावर होती है वो लॉस हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगा, नाइट्रोजन की रिटेंशन होनी शुरू होगी जिसकी वजह से एल्बुमिन यूरिया और कास्ट जो है वो यूरिन में डेवलप हो जाएंगे। मैम ये टिनाइटिस दोबारा बताइएगा जरा।
टिनाइटिस कान बजना जो होता है ना, जो एक एक टिनाइटिस इज अ प्रॉपर गूंज जो हर वक्त कानों में सुनाई देती रहती है, उसको हम टिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, यस मैम, ठीक है। हमने ये बात की थी कि जितनी ज्यादा हम ड्रग लेंगे उतनी ज्यादा ड्रग हमारी किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो जितनी हम एमाइनोग्लाइकोसाइड हमने ली है, जितनी ड्रग रिसीव की है पेशेंट ने, उतनी ही हायर कंसेंट्रेशन उसकी जो है वो किडनीज में, रीनल कॉर्टेक्स में अवेलेबल होगी। इसीलिए एल्डरली में और जिनमें प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज हो उनमें हम इसको जो है वो कम कर देंगे अमाउंट, और क्योंकि और वैसे अगर इसके कोई इफेक्ट्स आ रहे हैं किडनी पे और हम ड्रग को स्टॉप कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो जो किडनी डैमेज है वो भी रिवर्सिबल है। इसके अलावा ये कि प्रोस्टाग्लैंडिंस पे भी असर करता है, इसकी वजह से जीएफआर रिड्यूस हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है, न्यूरोमस्कुलर न्यूरोट्रांसमीटर का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एसिटाइलकोलीन वगैरह होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये उसके रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को। उसके रिलीज होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो मोटर एंड चैनल्स पे वो करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा था मेरे हैंड को कि मूव करे, वो सिग्नल मेरे हैंड तक पहुंच नहीं पाया, एंड आई कैन नॉट मूव माई हैंड। ठीक है, तो जिसकी वजह से पैरालिसिस या अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है तो वो फेटल रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है उसमें। ठीक है, एपनिया भी कॉज हो सकता है। एपनिया क्या होता है, ये भी डिस्टरबेंसेस हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिस्टरबेंसेस आती हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो आता है उसे ही कहते हैं एपनिया। आईवी इंजेक्शन पे ही आ सकती है, और इसको रिवर्स करने के लिए फिर फौरन से नियोस्टिग्मिन दी जाती है जो कि उसके सर को फौरन से रिवर्स कर देती है। प्रिकॉशंस क्या है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी, किसी ऐसी ड्रग के साथ नहीं देनी जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हो, किसी ऐसी ड्रग के साथ नहीं देनी जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हो, उन पेशेंट्स में जिनमें किडनी डैमेज हो और वो मिडिल एज से ज्यादा हो उनमें कॉशन के साथ यूज करनी है, जिनमें मसल रिलैक्सेंट्स के साथ कॉशन के साथ यूज करनी है, और अमाइनोग्लाइकोसाइड को किसी भी और ड्रग के साथ सिरिंज में या इंफ्यूजन बॉटल में मिक्स नहीं करना। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि जैसे हॉस्पिटल्स में हो रहा होता है, ड्रिप लगी हुई होती है और इंजेक्शन उसी में डाल देते हैं कि वो इस ड्रिप के साथ ही बॉडी में चला जाएगा, इस तरीके से अमाइनोग्लाइकोसाइड को किसी भी और ड्रग के साथ कंबाइन नहीं करना। पहली ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको पढ़ते हैं, सबसे ओल्डर एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से डिराइव की थी, अब सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के लिए यूज होती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो है उसका बहुत नैरो है, ये सारे बैक्टीरिया हैं जिनके अगेंस्ट ये सेंसिटिव है, लेकिन इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन है, बस वही याद रख लें। रेजिस्टेंस जो है इसकी रैपिड रेजिस्टेंस इकोलाई ने और एस ऑरियस ने डिवेलप की हुई है, और एस नमूनिया जो है वो भी इससे रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्यों हुई है, फर्स्ट स्टेप म्यूटेशन की वजह से या फिर एक्विजिशन ऑफ प्लाज्मिड्स की वजह से जो कि उसकी इनएक्टिवेशन कर देता है एंजाइम्स की। स्ट्रेप्टोमाइसिन डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि बाज स्ट्रेन्स ऐसे हैं, बाज म्यूटेंट्स बैक्टीरिया के म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऐसे हैं कि जो डिपेंडेंट हो चुके हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पे अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, यानी उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलेगी तो ही वो आगे जो है जेनेटिक कोड उसका उन तरीके से फॉर्म होगा और फिर वो आगे होगा। ये मोस्ट कॉमनली टीबी में ही होता है। क्रॉस रेजिस्टेंस इसकी पार्शियल और यूनिडायरेक्शनल दोनों तरीके से है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, जीआई ट्यूब से ना एब्जॉर्प्शन है ना डिस्ट्रॉय होती है, इंजेक्शन साइट पे अगर करेंगे आईएम तो मसल्स रैपिड है, एक्स्ट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूट होता है, साइनोवियर प्लूरल फ्लूइड में लो कंसेंट्रेशन होती है, मेटाबोलाइज नहीं होता, अनचेंज यूरिन में एक्सक्रीट होता है, प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 to 4 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट्स में वेस्टिबुलर डिफरेंसेस हैं, ऑडिटरी डिस्टर्बेंसेस हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, इंजेक्शन साइट पे पेन है, पैरेस्थीजियाज एंड स्कोटोमाज हैं, स्कोटोमा आई में डिफरेंसेज आते हैं विजुअल फील्ड में। और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, एम्बिस्टायरीन 0.75 1 ग्राम ड्राई पाउडर पर वायल इसका हमें मिलता है। ठीक है, वाइल क्या होता है, वो जो इसमें इंजेक्शन होता है ना शीशे की जो छोटी सी होती है उसे वाइल कहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी प्रेगनेंसी में, एक्यूट इन्फेक्शन के केस में 1 ग्राम आईएम दी जाती है ओडी, ओडी का मतलब है वंस डेली, बीडी दी जाती है 7 से 10 दिन के लिए, बीडी का मतलब है 2 times a day। यूजेस टीबी में, सैब में, सैब क्या होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, उसमें हम इसे पेंसिलिन के साथ, एम्पिसिलिन या वैनकोमाइसिन के साथ देते हैं ताकि हम इसके साथ ये बीटा लैक्टाम ऐड करें ताकि वो एंटर हो सके बैक्टीरिया में।
प्लाग के केस में, ट्यूलेरीमिया के केस में। बच्चों ये सब बहुत ज्यादा याद करने वाली बातें हैं और कुछ समझने वाला है भी नहीं, इसमें सिर्फ रट्टा ही रट्टा है। ठीक है, जेंटामिसिन है, इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस के ये हैं कि ये ज्यादा पोटेंट है, इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये टीबी के अगेंस्ट काम नहीं करती। इसके अलावा कि ये ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है। इसका यूज हमने सीरियस ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शंस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, सेप्टिसीमिया में, सेप्सिस में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में जिनमें फीवर हो उनमें पेंसिलिन्स और सेफोस्पोरिन्स के साथ। इसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शंस में मेट्रोनिडाजोल के साथ, सैब के केस में अगेन पेंसिलिन जी और एम्पिसिलिन वगैरह के हम इसको साथ यूज करेंगे। कोलिफॉर्म इन्फेक्शंस में, सुडोमोनल इन्फेक्शंस में, मेनिनजाइटिस में जो ग्राम नेगेटिव बैसिलस से होगा, या टॉपिकल इन्फेक्टेड जो बर्न्स, वुंड्स एंड स्किन लीजंस होते हैं उनमें यूज करते हैं इसको। कैनामाइसिन है, कैनामाइसिन जो है ज्यादा टॉक्सिक है कॉकलिया के लिए भी, कॉकलिया ईयर में कंडक्शन बोन्स होती है, इसके अलावा किडनी में हेयरिंग लॉस जो है वो इरिवर्सिबल होता है इससे, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है और इसका स्पेक्ट्रम भी बहुत नैरो है, इस वजह से इसकी जगह दूसरी ड्रग्स यूज की जाती हैं। टोब्रामाइसिन जेंटामिसिन के सिमिलर है, सुडोमोनास और प्रोटीस इन्फेक्शन में यूज करते हैं, इसकी वाटर टॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिलेटिवली लोअर है। एमिकासिन है, ये रेजिस्टेंट है उन एंजाइम से जो कि इनएक्टिवेट करते हैं जेंटामिसिन को और टोब्रामाइसिन को, इसका स्पेक्ट्रम भी वाइड है इसलिए इसके यूजेस सेम है एज जेंटामिसिन। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रेजिस्टेंट जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन से, वो इसमें भी डिवाइड। बच्चों हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आगे चलते हैं, सेसोमाइसिन है, ये भी जेंटामाइसिन से आइडेंटिकल है, अगेन वही उन्हीं चीजों से ये इनएक्टिवेट हो जाती है। नेटिलमाइसिन है, ये भी रेजिस्टेंट है जो इनएक्टिवेट कर देते हैं जेंटामाइसिन को, टोब्रामाइसिन को, इसमें एडिशनल इथाइल ग्रुप ऐड किया हुआ है ताकि वो इसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को स्टॉप कर सके। और नेटिलमाइसिन की लोएस्ट टॉक्सिसिटी है सारे के सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। सेमी सिंथेटिक है ये, मोर एक्टिव है क्लेब्सिला के लिए, एंटेरोबैक्टर के लिए और स्टेफलोकोकाई के लिए, जबकि सुडोमोनास ओरिजिनोसा के लिए लेस इफेक्टिव है। जेंटामिसिन की जैसी इसकी डोजेस और फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, यूजेस के सेप्टिसीमिया में ही, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में, यूटीआई में, पेरिटोनाइटिस में और एंडोमेट्राइटिस में है। प्रेमाइसिटिन है, ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं? टॉपिकली यूज करते हैं आई में, स्किन में और ईयर में। पेरोमाइसिन है, इसकी नियोमाइसिन की जैसी प्रॉपर्टीज हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में और एमबीबीएसएस में यूज करते हैं। याद करने वाला लेक्चर है बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़ना है आप लोगों ने इसे। जितने याद हो सके उतने तो याद करने की कोशिश करें, एटलीस्ट मेन ड्रग की। जैसे इन सब का लिखा हुआ है कि जेंटामाइसिन की जैसी, जेंटामाइसिन की जैसी, तो इन सब को याद करने से इसका मतलब यह है कि जेंटामाइसिन इज इम्पॉर्टेंट, ये एटलीस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग है जिसका सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन ही है, उसे हम नहीं दे सकते। जैसे अब हमने इसको ही हमने पढ़ा, फ्रामिसिटिन है कि इसको हमने इसकी प्रॉपर्टीज नियोमाइसिन से सिमिलर है और इसे हम इसको नियोमाइसिन हम पढ़े थे कि दिस इज टू टॉक्सिक फॉर पेरेंट्रल यूज, कि हम ये दे ही नहीं सकते पेरेंट्रली, इसको सिर्फ टॉपिकली ही यूज कर सकते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डोज कितनी है इसकी? 0.25 to 1 gram QID. QID का मतलब क्या होता है? 4 times a day. यूजेस स्किन में, आई में, एक्सटर्नल ईयर के इन्फेक्शंस में, और अगर ओरली देंगे तो इसमें बॉबल की प्रेपरेशन सर्जरी से पहले करने के लिए, TDS का मतलब होता है 3 times a day, बॉबल की प्रेपरेशन या फिर ब्लैडर की इरिगेशन और हेपेटिक कोमा के केस में उसमें देते हैं इसको। एडवर्स इफेक्ट अगेन, रैशेज, इंटेस्टिनल विलाई को डैमेज कर देता है, विलाई जो है वो प्रॉपर मतलब अपनी शेप लॉस कर देते हैं जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, और अगर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाए तो वहां पे मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है और उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। और ये बाकी ड्रग्स के साथ डाइजॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है, बाइल एसिड्स को भी और गट फ्लोरा को भी सप्रेस कर देता है, और वहां पे फिर सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है जो कि कैंडिडा की वजह से होते हैं। कैंडिडा क्या है? मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फंगल इन्फेक्शन है, जिस कैंडिडा इज अ फंगस और फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है जिसे हम कैंडिडाइसिस कहते हैं। अगेन किडनी में एक्सक्रीट हो रही है अनचेंज,
और सीरियस कैविटीज में जो है वो एपनिया कॉज करती है क्योंकि मसल पैरालाइजिंग एक्शन है इसका। ठीक है, समझने वाली कोई चीज ऐसा थी नहीं, लेकिन कुछ नहीं पता चला, नहीं समझ में आया तो पूछ ला मुझसे। फार्मा थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन एक दफा आप लोगों को पैटर्न समझ आ जाए कि किस तरह से याद करना है क्या करना है तो ये याद हो जाती है। इसका भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एक टेबल टेबुलेटेड फॉर्म ही बनाएं कि किस डिजीज में कौन सी ड्रग यू, मतलब ड्रग का नाम लिखें, आगे ये लिखें कि किस डिजीज में यूज करनी है। एडवर्स इफेक्ट्स कॉमनली सबके एक जैसे ही हैं, और बस इस तरीके से मोस्ट कॉमनली यही चीज है कि याद कर लें कि सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी या टॉपिकल है, और ये कि किस डिजीज में यूज करना है इसको। कोई चीज नहीं समझ में आई हुई तो पूछ लीजिए बच्चा। जी बच्चों मैम आगे ये समझ मैम इसमें समझने वाले क्या था, रट्टा ही मारना बच्चे, यही तो मैं कह रही हूँ कि रट्टा ही है। फिर भी अगर कोई कुछ पूछना हो या कुछ भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि मिड से पहले एक और शॉर्ट क्विज मैं आप लोगों का रख लूं। कोई अगर टॉपिक ऐसा हो जो आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को याद हो जाए तो मुझे वो टॉपिक बता दें कि उसमें से रख लें। नेक्स्ट वीक में नहीं, उससे नेक्स्ट वीक में एक शॉर्ट सा क्विज हम और रख लेते हैं ताकि आप लोगों की मिड की भी प्रेपरेशन हो जाएगी। जो टॉपिक ऐसा लगता है आप लोगों को। जी बच्चे मैम जीआईटी का ले लें मैम, मिड वाले सिलेबस में से ले लें। मिड में तो बच्चे सारा कुछ ही आना है मैम। मिड जरा इजी बनाइएगा, आपको पता है फार्मा इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, ऊपर से ये इतनी ज्यादा डिटेलिंग है। हम लोग तो फिर अगर आप तैयारी करने बैठे तो मिड तक यही सब्जेक्ट तैयार होगा बस। जी बच्चे मैं समझती हूँ आप लोगों की बात, इसी हिसाब से बनाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे बताएंगे कि कोई सो डिफिकल्ट नहीं लगा था आप लोगों को? मैम मीडियम था। ठीक है मैम, जिसने सही पढ़ा हुआ था उसको ही अटेम्प्ट कर सकता था। कोई तीन चार एमसीक्यूज थे वो जरा ट्रिकी थे, उसमें आपने ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछे हुए थे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा कि कोई ट्रिकी भी था मैम। था उनमें कुछ ऐसी ड्रग्स थी जिनकी नन ऑफ दीज ऑप्शन भी थी, तो वो अगर किसी ने गौर से लेक्चर याद किया होगा तो उसी को वो पिक कर सकता था। सही, चले अब आप लोगों को पैटर्न तो एटलीस्ट समझ में आ गई है कि किस तरीके से है। तो आप लोगों ने उस तरीके से ही तैयारी करनी है मिड की भी और जो नेक्स्ट क्विज होगा उसकी भी। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग मुझे खुद डिस्कस करके बता दें आप लोग किन टॉपिक्स में से क्विज देना चाहते हैं ताकि आप लोगों की उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि स्टार्ट वाले लेक्चर्स का ले लें, डायबिटी एंटी डायबिटिक्स थी, जीआईटी रेस्पिरेटरी और एंटी डायबिटिक्स। मैम आपने वो असाइनमेंट भी ली थी जिसके हमसे मैम जीआईटी था स्टार्ट में, फिर हमने एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट की थी और उसके ड्रग्स थी, और फिर हमने डायबिटीज की पढ़ी थी ड्रग्स। ठीक है, जीआईटी और एंडोक्राइनोलॉजी में से कर लेंगे। ठीक है, फाइनल में सिलेबस आप लोगों को बाद में बता दूंगी। फिलहाल ये कि आप लोग इनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, लेकिन अभी क्विज ना मैं अनाउंस कर रही हूं कि कब होगा और इनमें से होगा, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया आप लोगों को हो गया। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं अगर चाहें। अल्लाह हाफिज़।